कहता कि तुम्हें इसकी मुबारकबाद है। चौधरी मूल तंदीर मेरा बड़ा पुराना दोस्त है और मुझे खुशी है कि वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। बहुत सालों के बाद में आपके आमने सामने खड़ा, मुझे मालूम नहीं था पिछले तमाम का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पाकिस्तान का क्या बचत रहा, 25 रुपए में रोटी मिलती है एक, और लवाज के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। बिजली सस्ती थी, आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है, ये हशर किया है इस मुल्क के साथ। इस तब्दीली ने रोटी 25 रुपए की, 20 रुपए की रोटी आज यहाँ में कर 20 रुपए की, नान 25 रुपए का है। मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं बोलो? खत्म की बिजली लेकर आया, इन्होंने बिजली के बिल महंगे कर दिए, और जिसका 1000 रुपया बिजली का बिल आता था, झंडे थल्ले कर लो भाई, और झंडे थल्ले करो 20,000 रुपया कहाँ याद आता है नवाज शरीफ आपको या नहीं आता? तो यार बताओ नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? नवाज शरीफ चुरचुरू होकर आपके सामने खड़ा है और आप नवाज शरीफ आए तो आपने नारे मारे हैं, मेरा 5 किलो खून बढ़ गया है आपके नारे से। नहीं थी बोलो, और आज कितने की है? आज 150 रुपए किलो है, 150, कहाँ 35 रुपए और कहाँ 150 रुपया। और पेट्रोल हमारे जमाने में 60 रुपए लीटर था, 60 रुपए लीटर। मोटरसाइकिल वालों, कार वालों, ट्रक वालों, बस वालों, नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था और आज कितने का है? आज कितने का है? और किसानों, मेरे भाइयों, किसान मेरे बड़े बहुत अजीज भाई हैं। ओ भाई झंडे थल्ले कर लो, गवर्नमेंट ट्रैक्टर कितने का था? ट्रैक्टर 8 लाख रुपए का। कितने का? 8 लाख रुपए का। और आज कितने का बोलो? 2 लाख। 38 लाख रुपए का है, 40 लाख। नवाज शरीफ याद आता है ये क्या आता? बोलो आता, हाथ खड़ा करो। जिनको नहीं आता वो हाथ खड़ा करो, जिनको नवाज शरीफ नहीं आता तो हाथ खड़ा कर दो, कर दो। जिनको याद आता है तो फिर हाथ खड़ा करो। किसान
के जमाने में 1300 रुपए का 1300, और आज कितने का है यूरिया बोलो? 5000 रुपए का है। और डीएपी नवाज शरीफ के जमाने में 2500 रुपए, और आज कितने का है? 13000 रुपया। नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? बोलो, नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? डॉलर 104 रुपए का था, और आज कितने का है? बोलो, बोलो भाई, अगर बोलो 280 रुपए का डॉलर। नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? बताओ मुझे, दवाइयाँ सस्ती थी, दवाइयाँ सस्ती थी, आज इलाज के लिए पैसे नहीं होते? आज इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं है? नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? बोलो, इलाज होता था, मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी, नवाज शरीफ के दौर में मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी। और फिलहाल बच्चों के पास कपड़े नहीं है, स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं है, और हम तो हमने IMF को खुदा हाफिज कहा था। इमरान खान के दौर में फिर ये लोग कुछ बोलने के मांगने के निकल गए थे, मांगते फिरते थे दूसरे मुल्कों से। हमने तो IMF को कहा था खुदा हाफिज, जाओ छोड़ो पाकिस्तान को, जाओ। वो चले गए, पाकिस्तान अपने गाँव पे खड़ा हो गया, इन्होंने पाकिस्तान को भीख मांगने पे लगा दिया। नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? ये शहीदों के मुजस्मे जलाते हैं, किसने बनाया तो पाकिस्तान को, किसने बनाया? से नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? मुझे आपने क्यों जेलों में जाने भेजा? जेल में जवाब दो जरा मुझे, क्यों जेल में मुझे डाला गया? क्यों अंतिम जजों ने मुझे जेल में डाला? आज कोई चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं, जो मेरे ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे थे, आज घर जा रहे हैं इस्तीफा दे के। इसलिए जा रहे हैं, उनको पता है कि हमने बड़े बुरे करतूत किए हुए हैं, चोर की गाड़ी में टिका है, आगे बोला है, नवाज शरीफ को तो अकामे पे सजा दे दी, तमाशा बना दिया, और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेल डाल दिया, और सारी जिंदगी के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ देखें, आज फिर अल्लाह के फजल करम से आपके सामने खड़ा है। हटाया मुझे तीन मरतबा, मुझे हटाया के आम को आप मुझे हाथ ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आई लव यू कह रहे हैं? बादशाह बना दिया गया, और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई खिलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालिदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है, इसकी माँ फौत होती है तो जेल में इतला मिलती है, जेल में। और सारा कुछ
सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ उसका जो हम दुख रह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कानूनी आसपास नहीं किया, खुद पर बर्दाश्त किया, लेकिन पाकिस्तान पर जब नहीं करने दिया है ये पाकिस्तान जैसे इसको इंतजार जाता हुआ नजर आया, मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक रहा है और ऐसी ग्रामीण साजिश की आपने सुनी हो दौर था ईमानदार आदमी का सर्टिफिकेट तुमने दिया था और इन जैसे दिया तो इस्तीफा दे के घर चले गए। कौम को बताओ कि दुनिया उस बारे उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया, ये बड़ा जुल्म किया आपने। नवाज शरीफ के जमाने में पाकिस्तान करप्शन के हवाले से घट रहा था और 22-23 पॉइंट नीचे आया था और इनके दौर में पाकिस्तान फिर ऊपर चला गया और हम तो अरबों खरबों से मोटरवेज भी बना रहे थे, अरबों खरबों से बिजली के मंसूबे भी बना रहे थे, सी पैक भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग खुशहाल थे, लोगों को रोजगार मिलता था। और मैं आपको बता दूं, सुन लो मेरी बात, कान खोल के मैं सच कह रहा हूँ, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत रहती अल्लाह ताला के फजल व करम से आज भी होती, आज इस जलसे में कोई भी अरुणाबाद का भावर नगर का शख्स बेरोजगार ना होता, सबके पास रोजगार होता, सबके पास कारोबार होता, तजारत होती, होते जाते होते उनके जिसमे होते वालदा को फीस देने की कोई तकलीफ ना होती, घर में रोटी पकती होती और लोग खुशहाल होते। ये पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से खुशहाली है, खुशहाली आती हर घर में आती। मुझे दुख इस बात का है, मुझे तो तकलीफ पहुंची, मुझे बहुत दुखों से गुजारा गया, तकलीफ होकर गुजारा गया, लेकिन उसका कोई मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को आप लोगों के घर के चूल्हे बुझ गए, आप लोगों के लड़ाई ने कमर तोड़ दी। झूठ नहीं बोलता, मुनाफा नहीं करता, मुझे मुझे मेरे बाद मरियम तकलीफ करेगी, लेकिन मैं कुछ आपके इलाके के मामले ये बताना चाहता हूँ। भाई मालकाना कहना तो समझो हुकूमत आई तो मिल गए की जो का है उसको मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आठ पढ़ने के बाद फौरन मंजूर करूंगा।
मोटरवे जिसका ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया था, शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया था, उस इफ्तिताह की याद रखते हुए लाहौर से भावर नगर तक इंशाल्लाह मोटरवे हाईवे की शक्ल में भावनगर से रोड यजमान अहमदपुर से होता है, उसको इंशाल्लाह कराची तक मिलाया जाएगा। पहले मिला चुकी है यार, इन्हें पता है फिर कई जगह कराची तक तो वहां पे सकर तक तो मोटरवे बन नहीं हुई है। ये तो इनसे जो चार साल हुक्मरान रहे सत्तर से कराची तक मोटरवे नहीं बना सके, और नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से पेशावर से लेकर सत्तर तक मोटरवे ले आया, आगे इनसे बनी। तो भाई कितना थल्ले कर ला, इनके खिलाफ लड़ने वाले हो मैं नहीं पता, ना ना मैं पता, मैं मलहरा नहीं ना हो रहा। आपने एक ईंट भी रखी है किसी चीज की? बोलो यार, किसी चीज की कोई बुनियाद नहीं रखी, उल्टा बुनियादें खोखली करके चले गए। ये मोटरवे देखे, हर मोटरवे पे अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का निशान बना हुआ। नवाज शरीफ के अब इफ्तिताह है, इसलिए देखे जो लोग चले गए तो नवाज शरीफ उसके ऊपर उसका निशान है। और पाकिस्तान के अंदर मंसूबे नवाज शरीफ के अल्लाह के फजल करम से निशान है। अमन ओमान मुल्क में कायम किया, कराची अख्तियार है, अमन ओमान कायम यहाँ पे दहशत गर्दी का मर गया। बाकी लोगों ने की किया है, मैं तुम पूछ के जाना, मैं पूछे तो खैर नहीं जा रहा है। तो बाकी लोगों ने की किया बोलो, झूठ बोल रहे कारना हेरा फेरी की है, कानू धोखा दिता है, सब जीने का गलत सहारा करा है। किसी तब्दीली शक्ति के चक्कर ना आना, अल्लाह के सिक्के बंद है, हम इंशाल्लाह उस पर अमल करके दिखाया है और आइंदा भी दिखाएंगे। आपको जो गुरु रखे अरुणाबाद वालों, मेरी बड़ी दुआएं आपके लिए, खुश रखे भी चालीस आपका जोश देख के मेरे अंदर भी बड़ा जोश आ गया। पाकिस्तान